बंडगण ये हम अभी फाइटिंग का कमेटी उसका कुछ पोजीशन दिखाता हूँ। तो ये भाई साहब नया है, आज ही आया हमारी स्टाइल या हमारी कराटे में आज ही ज्वाइन हुआ, तो कुछ दिखाएंगे या सिखाएंगे। तो फाइटिंग का पोजीशन तो आप इधर आ जाइए ताकि कैमरा से थोड़ा अच्छा से देखें फाइटिंग का पोजीशन। तो ये एकदम नया है, आज ही आया, आज ही ज्वाइन किया। तो इसमें क्या होता है देखिए, ये फाइटिंग का पोजीशन इसका हिसाब से जो कंट्रोल है वो कर लिया है, लेकिन हमारे कराटे या कुंफु ताइक्वांडो में और दूसरा तरीका है खड़ा होना, ये स्टैंड है। तो इसमें क्या है, इसका जो दो पाँव है जो सीधा है, मतलब ऐसे पूरा सीधा हो रहा है, तो ऐसे हम लोग का थोड़ा सीधा होना चाहिए, ये स्टैंड अच्छा नहीं होता है। क्या होता है इसमें, थोड़ा हमें आगे का जो पाँव है उसको थोड़ा बेंड करना है, और जो इसका जो पीछे का देखिए पूरा सीधा है, लेकिन ऐसा खड़ा मत होना है। इसमें थोड़ा ऐसा धक्का देने से वो गिर जाएगा, नहीं तो हिल जाएगा, ऐसे थोड़ा धक्का देने से। इसको क्या करना है, ये पाँव अब इधर रखिए कम से कम 6 इंच। तो इसका जो है पाँव का ये हिस्सा इस तरफ लेना है और ये हिस्सा इस तरफ, थोड़ा इस तरफ घुमाना है, इस तरफ घुमाना है, और ये लेग पूरा सीधा होगा, तो आगे का लेग ये बेंड रहेगा। ये पोजीशन बहुत अच्छा, और आगे ले जाइए थोड़ा और 2 इंच। ये पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, उसको अगर धक्का मारे तो वो नहीं हिलेगा, खुद मैं ही रिटर्न आ जाएगा, लेकिन वो नहीं हिलेगा। ये बहुत अच्छा पोजीशन है, ताकि हम लोग कोई भी चीज उठाने से या धक्का मारने से ऐसा पोजीशन ही हम लोग मार सकते हैं, लेकिन ये दोनों पाँव ऐसा करके नहीं उठा सकते या नहीं ऐसा उसको पुश नहीं कर सकते हम, इसका ताकत कम हो जाती है। और जो ये हाथ इतना सर पहले क्या किया था वो इतना तक रखा था, ये मिस्टेक है, गलती है, हम इसको ऐसे पास किया तो उसका हाथ से उसको प्रहार हो जाएगा, उसका पंच उसका शरीर में ही सीने में ही लग जाएगा इसे। तो हमें थोड़ा इधर रखना है और नीचे ये जो कवर करना है, ये हाथ से ये नीचे का हिस्सा कवर करना है, ये हाथ ऊपर रखना है ताकि फेस को कवर कर सके, ये हाथ एकदम फेस की तरह फेस को ऐसे ढक के रखना है, ताकि फेस में कोई कीट या पांच आए तो इसका तुरंत उसको सेफ कर सकते हैं। और नीचे का जो ये हाथ है, ये नीचे का हिस्सा ये कवर कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। अगर दोनों हाथ हमने अगर ऐसे रख दिया भाई साहब, दोनों हाथ ऐसे रख दिया तो ये देख फेस का जो ये है तो पूरा फ्री है, उसमें कीक आ जाएगा, कीक आ जाएगा नहीं तो पांच तुरंत आ जाएगा। ये हाथ यहाँ से यहाँ तक ले जाना बहुत टाइम लग जाते, तो यहाँ से वहाँ तक बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और फाइटिंग में 1 सेकेंड बहुत कीमती होता है, फाइटिंग में 1 सेकेंड वो जो टाइम है बहुत कीमती है, यहाँ से वहाँ सेकेंड लग जाएगा उसका हाथ, और ब्लॉक फिर से ब्लॉक करना है। और दूसरा क्या है, इसे किक इस तरफ या इस तरफ किक आ जाए तो ये हाथ से नीचे का हाथ से ये कवर कर सकते, और ये हाथ आगे रखना है और ये हाथ सीधा और ये पूरा इसे करना है, इसे ये फाइटिंग का पोजीशन है। जैसे ये फाइटिंग का अगर पांच किया तो ये हाथ से ब्लॉक कर सकते, अगर किक आ जाएगी तो ये हाथ से ब्लॉक कर सकते हैं। इससे एक फेस को राइट हैंड से फेस को कवर करना है, और जो नीचे का लेग का जो ये लेफ्ट का जो हैंड है उसको ये नीचे का हिस्से हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ऐसा हमारी कराटे, ये जसीमन कराटे में ये स्टाइल है, ये कराटे मतलब इसको ब्लॉक, एक तरफ ये ब्लॉक है, ब्लॉक है। देखिए अब पांच कीजिए, ये पांच रखिए तो मेरे फेस पर, दो लेग ओपन, थोड़ा लेग ओपन कीजिए, ये पांच आ जाएगी तो उसको ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक करके हम ऊपर करके उसको खींच के हम लोग भाग सकता हूँ या उसको मार सकता हूँ एकदम आसानी से। कैसे खींचे पंच 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 ये आ गए तो उसको ऐसा खींच के हम लोग भाग सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रे, तो नमस्ते नमस्ते प्यारे बंधुगण। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दूसरे दोस्तों को भी, और ये
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो बेल आइकन है वो दबाना। नमस्ते।